वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास फोर्थ के मैथ पे क्लिक कीजिए। जिस भी चैप्टर या एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, उन एक्सरसाइज या चैप्टर की वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज 7 को। आपको अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आपको अगर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। सो देखो, सबसे पहले हमको समझना है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, पहले आपको ये समझना है, राइट। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं, तो अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे एक डिजिट दे रखा है 1/2, राइट। और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 4/8 है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया है। फिर जो बच्चों यहाँ पे क्या किया, 4 से किया है, नीचे भी 4 से किया है। इट मीन्स क्या होता है, जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ए बाय अगर बी कोई डिजिट है तो एम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी करते हैं। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी 1 ले लो, या 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो आप, राइट। अगर आपको 2 निकालना है तो एम की वैल्यू 2 लेना होगा। अगर 3 आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो 3 एम की वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे 2, 3, 4, है ना, इस तरीके से आप ले सकते हो। बाकी वैसे इजी के लिए मैंने 2, 3, 4 बताया, आप चाहो तो बड़ा नंबर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, राइट। वैसे डिवीजन करके भी निकाला जा सकता है, राइट। यहाँ पे देखिए, रिमेंबर में एक चीज दी हुई है आपको, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द डिविजन्स आर टर्म्स एज लोअर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है डिवीजन मेथड से जब भी निकालेंगे, तो वो हमेशा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उससे लोअर होगा, राइट। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोअर होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, यहाँ पे देखो 10/ में क्या है बच्चों, 15 है, राइट। तो इसको करोगे तो 5 2 10, 5 3 15, तो देखो 2/3 क्या आ गया, ये भी 10/5 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बट ये लोअर है, ये लोएस्ट है। वही चीज मैं कह रहा हूँ, डिवीजन करके जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमेशा छोटा आएगा, और जब मल्टीप्लीकेशन करके निकालेंगे तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद आने चाहिए, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बड़ा आएगा, और जब डिवीजन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो स्मॉलर आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, जिसमें आपको कभी न्यूमरेटर दे दिया जाएगा और कभी बच्चों आपको डिनोमिनेटर्स दे दिया जाएगा, तो आपको कहेगा फाइंड आउट कीजिए, राइट। चलिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब 3/5 का कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, विद न्यूमरेटर 15 आने चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन न्यूमरेटर कितने आने चाहिए बच्चों, 15 आई। तो क्या करेंगे आप, तो मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 3/5 है, तो आपको न्यूमरेटर लाना है। तो न्यूमरेटर 15 कब आएगा, जब आप इसमें क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो देखो m की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5, तो 5 3 जा क्या आ गया, 15, और 5 5 जा 25। हमको तो न्यूमरेटर से मतलब था, तो देखो न्यूमरेटर आ गया 15। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। बी में देखिए आपको कह रहे हैं राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 48/54, राइट। 48/54 डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 9 होनी चाहिए, राइट। तो सिंपल सी आप यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको छोटा दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड से मेथड से निकल जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो 9 का टेबल पर ये 9 1 9 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
सॉरी 9 से करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। और इसको अगर आप फिर आप क्या करेंगे बच्चों, 9 से करेंगे तो क्या होगा, 6 बार में आ जाएगा। यानी अगर आप इनको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 9। फिर इसको करेंगे तो क्या होगा, 6 से कीजिए
56 37 48 यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 9, आपका रिजल्ट आएगा 8 बाय 9 निकल के आ गया, और 9 आपको लाना था, है ना, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, इन्होंने काफी लंबा चौड़ा बना करके आपको समझाया है, आप सिंपल इस तरीके से करके आप अपना आंसर्स ला सकते हैं, राइट। यहाँ मल्टीप्लाई करके ले आए या नहीं डिवाइड, तो डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कैसा दिया है, किस वे से निकल रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके हैं, पहले मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और दूसरा डिवाइड करके निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे आप चेक करोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए हो सकता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कैसे आप चेक करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं। ये देखो क्या होता है, ए बाई बी एक फ्रैक्शन है, एंड क्या होगा बच्चों, सी बाई डी कोई फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ए इंटू डी हो जाएगा और क्या हो गया, बी इंटू सी हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आता है, राइट, अगर ये दोनों वैल्यू यानी LHS, इसको हम लोग आगे जाके LHS पढ़ेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, और इनको RHS पढ़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू अगर राइट हैंड की वैल्यू के इक्वल हो जाता है, तब आप कहेंगे जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। अगर ये चीजें दोनों इक्वल हो जाता है तो आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब इनके एग्जाम्पल से चेक करते हैं, देखो चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट या नॉट। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपको चेक करके बताना है कि क्या ये जो है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो सिंपल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे इसको। यहाँ पे देखो वैसे किया गया है एरो के माध्यम से, इसे 721 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, 63 आ जाएगा, और इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 63। तो देखो LHS RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द सेम दैट 7/3 एंड 9/ इतना आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब बी में चेक कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। चलो आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए 5 को 25 से किया, 8 को 15 से किए, तो अगर 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो 125 आएगा। यहाँ पे देखो 120 और 125 आए, तो ये दोनों 120 इक्वल क्या हो गया, 125 दोनों इक्वल है, नहीं है ना, अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो हेयर सिंस द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सो 5/8 एंड 15/25 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि कैसे चेक करेंगे कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में है या नहीं है, क्लियर। चलिए अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता ही है बच्चों, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपको पता है। तो कह रहे हैं वी नो दैट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ऑलरेडी ये आपको पता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते 7/3 एंड 8/ आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देखो बच्चों 7/3 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, 8/7 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन या नंबर, राइट। तो जब इसको या तो होल नंबर के फॉर्म में लिखो या कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो 3 2 6 तो ये क्या हो जाएगा 2 whole 1/3 आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 whole 1/7 आ जाएगा। आई थिंक इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, और ये भी हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, और ये जो था ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बातों को, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखो क्या है, टू एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ होल नंबर, राइट। तो होल नंबर में ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते, दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। टू एक्सप्रेस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ होल नंबर एंड वी डिवाइड टू न्यूमरेटर, एंड सिंपल सी बात है, जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उनको रिटर्न कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है,
ठीक है, एटीन बाई थ्री एज अ होल नंबर, राइट। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली है 18 बाई थ्री, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने, तो सिंपल डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 6 थ्री जो होता है 18 होता है, राइट। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके स्टेप में करना है तो ऐसे कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या रहे। टू एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ मिक्स फ्रैक्शन, राइट। इसके लिए सिंपल से एक फॉर्मूला है बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मिक्स नंबर इक्वल टू क्या होगा, क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर एंड डिवाइजर, दैट्स इट। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है। मिक्स फ्रैक्शंस जब मर्ड होता है क्वेशेंट, रिमाइंडर अपॉन में क्या होगा डिवाइजर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, राइट। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक्सप्रेस 9/4 एज अ मिक्स फ्रैक्शन, सिंपल 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्वेशेंट और ये हो जाएगा 1 रिमाइंडर और 4 हो जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, क्लियर। चलो अब वैसे भी यहाँ पे देखो अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, क्वेशेंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया और ये डिवाइजर तो है ही। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहे बच्चों टू एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर, तो सिंपल सी बात है बच्चों। इस चीज को एग्जाम्पल में देखिए, 2 whole 1/6 है, तो 6 × 2 = 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13, ये क्या होगा बच्चों 13/6, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल में आ जाएगा। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इनको इम्प्रॉपर में है, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज को देखो। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द होल ऑफ द फॉलोइंग्स बाय मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से आपको क्या निकालना है, डिविजन निकालना। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ए बाय बी, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं आप, राइट, और दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, सेम नंबर से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें, इससे जो नंबर होगा बच्चों बड़ा बनता है और इससे जो होता है बच्चों शॉर्ट बनता है। तो हमें यहाँ पूछ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन करके बताइए, तो सिंपल आप चाहे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, राइट। तो क्या होगा 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = क्या होगा 10, तो एक तो आपको ये निकल के आ जाएगा। कुछ और भी आ सकता है बट मैंने 2 से किया है तो इसलिए ये रिजल्ट आया, 3 से करोगे तो कुछ और आएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे भी 2 से करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, 3 × 2 = 6 और 7 × 2 = 14, तो आपको एक ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और यहाँ से अगर 2 से करते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, सर बार बार 2 से क्यों कर रहे हैं। बच्चों 2 से ईजी है और छोटा भी है, इसलिए आसानी से हो जाता है। आप चाहो तो बड़े से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का इनफाइनाइट आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको कीजिए तो 14, तो क्या होगा 2/14 × 28 और 48 आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कीजिए, इसको भी हम 2 से कर देते हैं, 9 × 2 = 18, 11 × 2 = 22, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, राइट, डिवीजन। अगला क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। अब यहाँ पे देखो डिवीजन से करना है, तो जब भी करोगे सेम नंबर से डिवाइड करोगे, तो चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 2 से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, तो क्या होगा 5/14 आप लिख सकते हैं आंसर से। इसको अगर आप करते हैं तो 5 से कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, तो 7/8 लिख सकते हैं। इसको कीजिएगा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, तो 3/4 लिख सकते हैं। तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो स्मॉलर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लार्जर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको कई बार डिस्कस कर रखा है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे बिल्ड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके 4 निकालने इक्विवेलेंट नंबर, तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 4 से कर लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, जितना से करते जाइए करते जाइए, राइट। तो आप चाहते यहाँ पे 2 से कर लो, तो 2 से करो तो क्या होगा 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, तो एक नंबर तो 10 निकल के आ गया। 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, बच्चों वैसे ऑलरेडी मैंने इन क्वेश्चनों को कर रखा है क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे,
है ना। पहले मैंने 2 से किया तो 2/10 आ गया, ठीक है। फिर 3 से किया तो 3/15, 4 से करेंगे तो 4/20, 5 से करेंगे तो 5/25। तो ये आपका एक नंबर आ गया, दो नंबर आ गया, तीन नंबर आ गया, चार, तो चार बिल्ड करने के लिए कह रहा था, 4 हमने बिल्ड कर दिया। आप चाहो तो दूसरा भी आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि यही आपके पीछे आंसर होंगे, हो सकता है मैच भी कर सकते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, है ना। आप जितने नंबर से करोगे उतना बड़ा निकल के आ जाएगा। 3/7 में देखो 2 से किया तो पहला एक नंबर ये निकल के आ गया, दूसरा नंबर ये आ गया, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये आ गया। तो चार हमसे कह रहा था, चार हमने बिल्ड कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। यहाँ पे भी देखो हमने 2 से कर लिया, 2 से किया तो एक ये निकल के आया, एक ये, एक ये, एक ये। पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 5 से किया। सिमिलरली ऐसे निकालते चले जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे 2 से किया, देखो बच्चों 3/8 को, तो एक पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। हमने 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से किया। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आता चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे बच्चों, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, कह रहे राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5 विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो ये आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 25 होनी चाहिए। तो देखो 4/5 में किस मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा, क्योंकि ये 5 है और लाना 25 है, तो पक्का डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो किस डिजिट का मल्टीप्लाई होगा जो 5 है तो 25 आ जाएगा। तो सिंपल 5 5, तो देखो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 4 20, 5 5 25, तो ये 25 हमको लाना था, आ गया। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को 16 लाना है, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना न्यूमरेटर 4 है, तो कैसे आएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके। तो 4 4 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5 4 जा 20, तो हमको 16 बाई क्या हो जाएगा 20 आ गया, ठीक है। डी में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 40 है, डिनोमिनेटर 40 लाना है, राइट, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर 5 है, तो कैसे आएंगे मल्टीप्लाई करके। तो 8 से हमने कर दिया, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 8 5 40, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है ना, क्वेश्चनों को एकदम फील के साथ, एकदम अच्छे के साथ फील ले लेके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम इसी तरीके से कह रहा है बच्चों, क्या है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट, क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ऑफ 72/144 विद द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, राइट, और यहाँ पे कम लाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो सिंपल बच्चों, इसको आप डिवाइड कर दो, 2 से कर दो। जब 2 से कर दोगे, 7 1 7 72 जाए इतना, और ये आज का निकल के आ जाएगा। यहाँ अगर आप इसको क्या करते बच्चों, 2 से आपको 72 लाना है ना, तो 72 लाना है तो कैसे लाओगे, राइट, इसको 2 से कर दो, ये हो जाएगा 36, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है ना। 2 2 4 7 2 14, तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखो 72 आ गया, तो एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब 24 लाना है, तो 24 न्यूमरेटर 24 लाना है, तो कैसे लाओगे, यानी 72/144 है, इसका न्यूमरेटर कितना लाना है 24, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 4, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6, तो 24/ क्या आ जाएगा 46। तो देखो न्यूमरेटर भी आ गया और आपका डिनोमिनेटर भी आ गया 72। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सॉल्व करके, जैसे भी है आप उसके जो भी कहते हैं आप निकाल सकते हो, और बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए 6 में देखिए कह रहे हैं, चेक वेदर द पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर ब्लो आर इक्विवेलेंट। चेक करना है कि ये जो पेयर है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इनको चेक करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। आप क्या करना बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। LHS और RHS दोनों अगर सेम आ जाता है तो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 12 क्या होगा बच्चों, 6 96 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 6 42 42 आ जाएगा, और 7 4 11, ठीक है ना, 7 6 42 और 7 4 11 12 96
12 9 108। तो देखो बच्चों ये दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं ना, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों का अगर वैल्यू इक्वल आ जाता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। चलो आप इसको करके देखो, फिर इससे इसको करके देख लो, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 5 90 तो ये हो जाएगा 90, और 15 6 90 ये हो गया 90। देखो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, 90 90 आ गया, और 90 90 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके इसका भी चेक करना, इसका भी चेक कर लेना, और इसका भी करना, सेम पार्ट है बच्चों, बहुत आसानी है, सिंपल से आप मल्टीप्लाई करके चेक करके हमें आंसर बता सकते हो, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज अ होल नंबर, यानी ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इसको होल नंबर में बनाना है। तो सिंपल, 7 5 7 5 35, तो यहाँ पे 7 5 35, इससे डिवाइड करोगे 4 4 4 16, 4 आ जाएगा। इससे करोगे तो 7 4 28, 7 6 7 4 28, इससे 9 7 63, तो 9। ये सभी क्या है? 5 होल नंबर्स है, 4 होल नंबर्स है, 7 होल नंबर्स है, 9 होल नंबर्स है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके आंसर ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड करके कर सकते हो, हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो 5 3 15, तो यहाँ पे होल नंबर क्या हो गया? 3। 15 4 19, तो 4/5 क्या हो गया? 5, ये निकल के आ जाएगा। 3 whole 4/5 लिखिएगा। यहाँ पे देखो 7 6 7 4 28, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2/7, तो 4 whole 2/7 डिवाइड करके आप निकाल लीजिए। इसको कीजिएगा तो क्या होगा? 3 11 3 33, और ये हो जाएगा 6/9, सॉरी 11 है, 11 लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। 9 5 6 54, तो आएगा नहीं बच्चों, 8 6 48, 8 6 48, ये हो जाएगा 4/6, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3, तो 8 whole 2/3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकते हो, या मैंने कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छे से आपको डिटेल बना बता दिया है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? क्वेशेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर अपॉन में क्या होता है? डिवाइजर। आप चाहे तो ये ट्रिक्स को अपना सकते हो, ये मैंने वैसे डिस्कस कर दिया, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि क्वेशेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर अपॉन में क्या होगा? डिवाइजर, अगर इस तरीके से होता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज ए इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में करना है तो क्या करना है? सिंपल, इसे इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 2 क्या हो जाएगा? 14, तो ये हो जाएगा 14/3, ठीक है। 9 5 45, 45 46 47 48, ये हो जाएगा 48/9, हो जाएगा 9, समझ में आ रहा है। 8 2 16, ये क्या हो गया? 17/8 क्या हो गया? 8 5 3 15 2 17, 17/5 में क्या हो गया? 5। तो देखो बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आपको पता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ये काफी डिस्कस किया था हमने, इनिशियल स्टेट से ही बता रहे हैं आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इन सबको अच्छे से समझाया आपको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।